बीजेपी निश्चित लड़ेगी और जीतेगी। बोचा उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी क्या, जिस तरह से कह रहे नेतृत्व के नजर में है, क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई स्वतः हो गई, उनको नहीं लगता है, कह रहे हैं कि आवाज नहीं निकल रहा है मुंह से, आवाज नहीं निकल रहा है तो अभी सजा नहीं है। सानी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार घोषणा करेंगे, इधर देखिए सर, नीतीश जी करेंगे कि भाजपा वहाँ लड़ेगी, इतना बात जान लीजिए। लालू यादव के विचारधारा को मानने की बात करें, करें उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं तो वही ना पीठ में कहते थे जो छुरा घोपा गया है। बोचहा सीट मंत्रिमंडल में फिर से आने वाले समय में शामिल होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि सामने देखिए ना, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के दिमाग में सब कुछ है, सामने देखिए, और बड़ा सलीके से उनका इलाज होगा। बोचहा सीट पर बीजेपी को क्यों लड़ना चाहिए, वो तो उनके पार्टी की सीट थी। इसलिए कि राजद के अंक को तोड़ना है, 74 है और 75 है, हम भी 75 पूरा करेंगे, इसलिए लड़ेंगे। आप लोग जो बयान देते हैं, आप लोग के बयान पर मुकेश सहनी बोले हैं कि अजय निषाद क्या बोलते हैं, उनकी बात सीधा अमित शाह से होती है, अमित शाह की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि वो एनडीए से बाहर है, आप लोग किस आधार पर कह रहे हैं कि वो उनको एनडीए से बाहर कर देना चाहिए? सो देख लीजिएगा ना, समय आ गया है, नजदीके है सर, आज किताब दिखाने वाले हैं, किताब दिखाने वाले थे, लेकिन थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, पूरी पूरा अभी उसका मटेरियल और नहीं आया है, और कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर मैं बेबाकी से राय रखूंगा, लेकिन चूंकि तनी आचार संहिता भी है, 24 सीट पर चुनाव भी है, और भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं, लेकिन यहाँ हम माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में काम करते हैं। कश्मीर फाइल्स मैं आप लोगों के माध्यम से और आप सबों को कहता हूँ कि जरूर कश्मीर फाइल्स देखें, और टैक्स फ्री हो, वो बिहार में टैक्स फ्री हो, सरकार से मांग करता हूं मैं, और विधानसभा में भी इसको उठाऊंगा कि ये कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो बिहार में टैक्स फ्री हो। अगर मुकेश सहनी के हक में फैसला लेते हैं तो आप लोग उनको बेकार तूल दे रहे हैं भाई, अब ये तो कुछ सच्चाई भी है, कुछ आधा हकीकत है, आधा फसाना है। देखिए हकीकत ये है कि थोड़ा सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ गया है, लेकिन माननीय नीतीश जी और भाई तारकिशोर प्रसाद के नेतृत्व में सरकार जनहित में 13 करोड़ जनता के लिए दिन रात काम कर रही है, और आप लोग जो हमारे उम्र के होंगे 40-45 के होंगे, उन्होंने बिहार में बदलाव देखा होगा।